हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, राइट। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस तरह का जो वीडियो है बहुत सारा हमने बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो बहुल आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, वो उसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे कि भाई उसका व्यंजक क्या होगा। और इससे पहले हमने देखा था कूलाम का नियम, जो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए जो लगने वाला बल था उसे वैद्युत बल कहा जा रहा था, या उसी को कूलाम बल भी कह दिया जाता था। और उसका हमने व्यंजक प्राप्त किया था, यानी कि एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। और आपको हमने बताया था कि जो कूलाम का नियम है केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लगता है, ये उससे ज़्यादा पर नहीं लगेगा कूलाम का नियम, राइट। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत सारा आवेश रहेगा, और बहुत सारे आवेश के द्वारा एक कोई स्थिर आवेश पर बल लगेगा, और जो क्यू वन पर जो लग रहा है बल, इन सभी बलों के परिणाम के सदिश के योग के बराबर होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये भाई क्या है, इसके पहले इस सिद्धांत का यूज क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने लिख के रखा है बहुत अच्छी तरह से, आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कि दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो गो बिंदु आवेश से ज़्यादा आवेश होगा, तो उस पर, जैसे कि मैं फॉर द एग्जांपल यहाँ पर लेकर बता दूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्यू वन आवेश है, ठीक, तो क्यू टू आवेश मान लीजिए यहाँ पर है, क्यू थ्री यहाँ पर है, ठीक, क्यू फोर यहाँ पर है, इसी तरह क्यू फाइव यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर क्यू सिक्स है, और डैश डैश मान लीजिए कि यहाँ पर क्यू एन आवेश है। तो इन सभी के द्वारा इस पर जो लगने वाला बल है, उन सभी का बीजगणितीय योग जो होता है इस पर पर्सनल, इसके द्वारा जो लगने वाला बल होता है उसके बराबर होता है। तो इन सभी आवेशों के द्वारा इस पर जो बल लग रहा है, इन सभी का बल का जो गणना किया जाता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से ही किया जाता है, ठीक। चलिए, इतना समझ में आया अब आपको। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी बिंदु पर जब परिणामी बल को ज्ञात करना होता है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आपको पता चल गया कि दो से अधिक आवेशों पर जो बल लगता है, तो उनका गणना किसके द्वारा किया जाता है, किस सिद्धांत से, तो आप बताएंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेश कैसे रहेंगे, स्थिर ही रहेंगे, तो अन्य आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, राइट। तो आइए अब इस बात को हम लोग कथन को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यू वन बल है, क्यू वन आवेश है, ये क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर इसी तरह करके यहाँ तक क्यू एन आवेश है, राइट। अब देखिए कि क्यू वन आवेश पर क्यू टू के कारण लगने वाला जो बल होगा वेक्टर F12 होगा। इसी प्रकार Q1 आवेश पर, यहाँ पे F1 लिखा गया है ना, Q3 आवेश के कारण लगने वाला जो बल होगा F13 होगा, या 13 कह दें, और इसी प्रकार ये F14, F15, और यहाँ पे F16 है, ठीक है, इसको अपोजिट थोड़ा सा बताया गया है, बनाया गया है, और यहाँ पे क्या है, वेक्टर F1n है, राइट। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, इस कथन के अनुसार क्या होता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा एक स्थिर बिंदु आवेश है Q1, और इस पर अन्य आवेशों के कारण
अन्य आवेश यानी Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, .. के कारण लगने वाले परिणामी बल, जो लगने वाले परिणामी बल होगा यानी F1, ठीक है, वेक्टर F1, उस आवेश पर लगने वाले, इसी आवेश पर लगने वाले सभी बलों के, इस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के, ये जितना भी बल दिया हुआ है इनका जो होता है सदिश योग, है ना, सदिश योग यानी वेक्टर लगाकर इन सभी का योग कर देंगे हम लोग, तो इन सभी का परिमाण जो होता है इसके परिमाण के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब के नियमानुसार यानी सदिश निरूपण जब हम लोग किए थे तो क्या होता था कि वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाता था, 1/4πε0 Q1 Q2 / r² r कैप हो जाएगा। राइट, दिशा दिखाने के लिए क्या करते हैं, एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ये हमने आपको कूलम्ब के नियमानुसार बता दिया सदिश निरूपण करके। राइट, तो F21 है, F12 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि F बराबर क्या होता है कूलम्ब के नियमानुसार, K Q1 Q2 / r², है ना, r² हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे r² क्यों लिखा हूँ, तो अभी बता रहा हूँ, ये गलती हो गया है, इसको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो अगर सदिश निरूपण करते थे तो यहाँ पर r कैप भी लिखते थे। राइट, ये कैप क्या होता है, तो एकांक सदिश कहलाता है, और ये जो है इस बल का डायरेक्शन बताने के लिए होता था, है ना, कि इस बल जो लग रहा हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे F12 लिखूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जस्ट इसके विपरीत लिख दीजिएगा, इसका अगर आपको दूरी लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21 का होल स्क्वायर और फिर R21 का कैप। राइट, उसी प्रकार अगर आपको F13 निकालना है तो इसके बराबर क्या होगा, Q3, क्योंकि यहाँ पर F12 था तो यहाँ पे Q1 Q2 था, लेकिन यहाँ पे F13 है तो यहाँ पे क्या होगा, K Q1 Q3 / r। अब इसके अपोजिट कर देंगे हम लोग, है ना, जो दूरी होगा तो R31 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं आप या स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, R² ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कैप है। ठीक, तो यहाँ पे R31 का स्क्वायर / R31 का कैप। राइट, तो बस इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, F12 के जगह पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 / r² हो जाएगा, है ना, क्या होगा दोस्तों, R21 का होल स्क्वायर फिर R21 का कैप, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया। राइट, अब यहाँ पे देखिए F13 है यानी F13, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4πε0 Q1 Q3, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे F13 है इसलिए Q1 Q3, बटा में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट कर दीजिए खाली, तो क्या हो जाएगा, R31 का स्क्वायर / R31 कैप हो जाएगा। राइट, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस दे देंगे हम लोग, फिर वही हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q4 / R41 का स्क्वायर / R41 कैप, फिर उसी प्रकार प्लस .. प्लस 1/4πε0 Q1 Qn / r, अब इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, n को पहले ले लेंगे, 1 को बाद में, वही यहाँ पे किए हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, Rn1 का स्क्वायर Rn1 कैप। इतना समझ में आ गया अब आपको। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर आर अपॉन में क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर आर। राइट, ये आर का वेक्टर आर क्या बताता है, आर सदिश को बताता है ना,
ये सदिश आर को सूचित करता है और ये क्या किस चीज़ को, तो उसके परिमाण को, है ना। अगर मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर मैं 21 लिखूँ तो यहाँ पर क्या होगा 21 और यहाँ पर भी 21, राइट। या हम इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली, तो हम इसको लिख सकते हैं R20, है ना। चलिए, यानी कि अब इसमें दिशा नहीं चाहिए, केवल खाली परिमाण। तो मैं बोलूँ कि इसका परिमाण क्या होगा, तो ये R21 ही हो जाएगा। तो आइए इसी बात को हमने आगे भी लिखा है, कैसे लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, है ना, यानी कि सदिश बटा में उसका परिमाण। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि 1/4π ε₀ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसी प्रकार यहाँ पर भी है, तो सभी में से कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए Q1, उसके बाद यहाँ पर भी Q1 है, तो इन सभी को कॉमन कर लेते हैं, यानी कि हमने लिख दिया वेक्टर F1 इज इक्वल टू 1/4π ε₀ Q1, और उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग कि हमने कॉमन क्या कर लिया, 1/4π ε₀ Q1, राइट। तो यहाँ पर जब Q1 भी कॉमन कर लिया, 1/4π ε₀ भी, तो क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या बचेगा, Q2 बटा में R21 का स्क्वायर, फिर R21 कैप, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Q2/R21 का स्क्वायर, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया, है ना। तो अभी हमने क्या हमने बताया कि आर कैप बराबर क्या होता है, आर कैप बराबर वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, राइट। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ पे R21 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैप के जगह पर R21 कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 अपॉन R21, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बच जाएगा, Q3 बचेगा बटा में ये वाला, तो हमने लिख दिया। फिर इसके जगह पर क्या लिख देंगे, तो वेक्टर R31 अपॉन R31, राइट। फिर प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। अब ये वाला कॉमन है, ये भी कॉमन है, अब क्या बचेगा, Q4 अपॉन ये, और इसका क्या हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया है Q4 अपॉन ये वाला, और उसके बाद इसके बराबर क्या हो जाएगा, R41 कैप बराबर, तो R41 वेक्टर अपॉन R41, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये काटा हुआ है, ठीक। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है डॉट 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 प्लस, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया प्लस डॉट 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 प्लस, राइट। अब क्या बच गया यहाँ पर, Qn अपॉन Qn1 का स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, तो वेक्टर Rn1 है यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, राइट, ध्यान से, अपॉन में क्या हो जाएगा Rn1। तो आइए अब आगे करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है क्या, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हाँ सर हो चुका है, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ, राइट। या आप इसे आगे पीछे करके वीडियो को पॉज करके पीछे देखें भी फिर से एक दो बार, तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपका सदिश पढ़े होंगे, है ना, तो इन सभी को आप फटाफट समझ लेंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो कि आप एक दो बार देखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो वेक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π ε₀, फिर ये Q1 उसी तरह एज इट इज। अब देखिए ये वाला और ये वाला उसी तरह लिख दिए हमने, फिर R21 का स्क्वायर है R21, तो क्या हो जाएगा R21 का क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ये वाला और ये वाला उसी तरह लिख दिए। उसके बाद देखिए ये वाला स्क्वायर है, यहाँ पे एक आर है इसका पावर, है ना, तो इन दोनों का जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते, फिर आगे प्लस है तो प्लस, Q4 R41 का स्क्वायर में R41 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, R41 का क्यूब, राइट। फिर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने, Qn अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज उतर जाएगा। चलिए इतना समझ में अब आपको आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि अब देखिए इसे समेशन लगा के सभी को लिख देते हैं, है ना। अब आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, जो लगने वाला अध्यारोपण से जो बल होगा, एक आवेश पर सभी आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल होगा उसका व्यंजक ये हो जाता है, ठीक। या अगर आप इसको
समेशन रूप में यानी और भी शॉर्ट रूप में करना चाहते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर एफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह लिख लेंगे। अब इन सभी को योगफल बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, तो जो बदल रहा है इसमें क्या क्या बदल रहा है, दो तीन चार फिर डॉट 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 इसी तरह यन तक, है ना। तो यानी कि प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, दो से, और आवेश का भी प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, दो ही से हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा कि आई बराबर दो से लगाकर यन तक, कहाँ तक ख़त्म हो रहा है दोस्तों, यन तक, है ना, इसलिए यन तक लिख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर कि क्यू वन तो एज इट इज उसी तरह लिख दिया, अब यहाँ पर देखिए कि क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर यही बदल रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू आई अपॉन, ये क्या हो जाएगा, दो मतलब आर दो एक, फिर आर तीन एक, फिर आर चार एक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमने लिखा है जो बदल रहा है उसको आई से डिनोट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर आई वन क्यूब, राइट। और यहाँ पे देखिए क्या बदल रहा है, आर ट्वेंटी वन वेक्टर, फिर क्या है आर थर्टी वन, ये यानी पीछे वाला नहीं बदल रहा है, ये वाला खाली बदल रहा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे आई, और यहाँ पे क्या लगा देंगे वन, सभी में वन वन है ना लास्ट में, इसलिए वन, राइट। और यही क्या हो जाएगा हमारा, अध्यारोपण से जो सभी आवेशों के द्वारा जो लगने वाला एक आवेश पर बल है उसका व्यंजक हो जाएगा, है ना, क्या होगा, तो वेक्टर एफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन आई इज इक्वल टू टू से एन तक, है ना, क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू आई बटा में आर आई वन क्यूब इंटू आर, ये वेक्टर रहेगा दोस्तों, ठीक, वेक्टर आर आई वन। तो यही हमारा सिद्धांत था अध्यारोपण का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद तो ज़रूर आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ कहीं प्रॉब्लम अगर लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, और आपका मैं प्रॉब्लम दूर कर दूँगा, ठीक। ऐसे तो आप इसको आगे पीछे करके देखिएगा वीडियो को, तो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये अब आप ले लीजिए स्क्रीन शॉट, तो ये पहला, ठीक, और ये हमारा, ये दूसरा, फिर ये, ठीक, ये है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सभी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर उससे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे और नोट्स ज़रूर बनाते रहेंगे, ठीक है आप, और आपको मैं कंप्लीट ज़रूर कराऊंगा फिजिक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।